हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे, आपका साइंस टीचर। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जो है एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये आपके 9th के लिए है, 10th के लिए भी यही काम देगा आगे चल करके, और आपके नीट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब के लिए काम देता है। ये मत सोचिएगा कि 9th का है तो सिर्फ 9th में ही काम देगा। इसीलिए हमको जैसे पुराना ABCD आज तक काम दे रहा है, पुरानी गणित आज तक काम दे रही है, इसी प्रकार से ये साइंस भी। और नीट के लिए, TGT वाले जो है शिक्षकों के लिए, PGT वाले शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन बेटा पूछे जा रहे हैं वो सब के सब NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग NCERT के सॉल्यूशन को कर रहे हैं, और अभी तक जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर चुका है। तो जिन्होंने ना देखा होगा प्लीज़ वो जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, क्लास 9th केमिस्ट्री वहाँ पर लिखा है, और आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, और पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो आप उसको कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। तो अभी तक आप लोगों ने तो पढ़ ही चुका होगा। तो आइए बेटा, हम सीधे किस पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। NCERT क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्यूशन न क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेज नंबर 6 पर है। तो पेज नंबर 6 में हम आपको पहले ये दिखाएंगे कि आखिर पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन है दिया गया है। तो इसीलिए देखिए, मैं NCERT ले लिया हूँ और सीधे पेज नंबर 6 पे पहुँचता हूँ। पेज नंबर 6 पे बेटा कई सवाले हैं, जिसका हम लोगों ने पहला दूसरा कर लिया था पहले ही, पहले का हो गया था दूसरे का, आज हम तीसरे का देखेंगे क्वेश्चन। तो हमको तीसरे में दिया गया है क्वेश्चन की कारण बताएं, आपको कारण बताना है, आपको कारण बताना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो कहने का मतलब, गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वो गैस पूरे बर्तन में कैसे फैल जाती है, ये पूरे बर्तन को कैसे भर देती है। तो आइए बच्चों, अब हम इसका आंसर देखते हैं, और आंसर पहले ही हम नोट कर लेते हैं कि ताकि आपको बताते वक्त टाइम कम लगे और आपका काम ज़्यादा हो सके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं साथ में, कई बार देखने पे खुद ही धीरे धीरे याद हो जाता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ये, उसका ए वाला क्वेश्चन है। आते हैं उसका आंसर, गैसों में अंतराणविक आकर्षण बल, कौन सा बल बेटा, अंतराणविक आकर्षण बल मतलब उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है बहुत निम्न होता है। अंतराणविक आकर्षण बल बेटा क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए गैस के ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरते हैं, इसलिए गैस के कण बेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरते हैं जिसमें यह रहते हैं। गैसों में गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है जो कि गैसों को पूरे बर्तन में भरने में मदद करती है। पूरे बर्तन में वो फैल जाते हैं क्योंकि आकर्षण बल कम होता है, तो वो जितना भी स्थान पाते हैं बेटा पूरे स्थान पे फैलना चाहते हैं, और पूरे स्थान पे इसीलिए वो फैल करके बर्तन को भर देते हैं। आइए अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम देखेंगे बी, और 3 के बी में हमको देखना है, ये देखिए हम आपको फिर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसीलिए NCERT आप भी लेके बैठिए। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, जो गैस है वो बर्तन की दीवार पर दबाव कैसे डालती है, जैसे हमने सिलेंडर में गैस को भरा है तो उसमें दबाव प्रेशर कैसे पड़ता है। तो इसका आंसर आइए हम देखते हैं। आपको पता है बच्चा कि जो हमारे पास गैस हैं उनके कण क्या है, अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति का मतलब उनमें नियमित गति नहीं होती है, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। गैस के अणुओं में अनियमित गति होती है, याद रखिएगा अनियमित गति होती है, और अणु बहुत तेज गति करते हैं, हाँ तेजी भी और अनियमित भी, जिससे गैस के कण आपस में
तथा बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। जब उल्टा पुल्टा बेटा गति करेंगे, अनियमित गति करेंगे, डायरेक्शन एक जैसा नहीं होगा, कहीं इधर कहीं उधर, तो क्या करेंगे? आपस में भी टकराएंगे और बर्तन की दीवार से भी टकराएंगे। और जिससे बर्तन पर क्या लगता है बेटा? बल लगता है। और जब बल लगता है तो हम कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्र बल लगने पर दाब उत्पन्न होता है, तो इसीलिए बेटा प्रेशर डेवलप होता है। आप जान गए हैं कि हमारे पास गैस के अणु क्या अनियमित गति करते हैं और यह गति बहुत तीव्र होती है, तो आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं। जहाँ पे टकराएंगे बेटा वहाँ पे बल लगेगा, और जब प्रति इकाई क्षेत्रफल पे बल लगता है तो हम उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है आपको पता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्या है? क्षेत्रफल। तो इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो समझ गए हैं आप कि इसलिए बर्तन पे लगता है दाब। आइए अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 ना, और 3 का क्या है? सी वाला, क्योंकि 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी। तो बेटा सी देखते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, मतलब जो लकड़ी की मेज है वो ठोस क्यों कहलाती है, या लकड़ी की मेज ठोस क्यों है? पहली बात तो ये ठोस पैर क्यों आखिर होता है? तो आपको पता है कि जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो लकड़ी का जो मेज है उसका आयतन और आकार निश्चित होता है बच्चा। ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी जैसे मेज बनी है अभी ऐसे है, आधे घंटे बाद दूसरे डिजाइन की हो जाएगी, छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। आज जैसे हमारे पास मेज है वो मेज हमारी कल भी वैसी ही रहेगी, 10 साल बाद भी वैसी ही रहेगी, 20 साल बाद भी वैसी ही रहती है। तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 का सी, ठोस में आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है जिससे ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है। मिल गया ना बेटा, ठोस का आयतन और हमारे पास क्या बच्चा? आकार निश्चित होता है। लकड़ी की मेज का आयतन आकार निश्चित होता है, इसलिए लकड़ी की मेज को हम लोग ठोस कहते हैं। तो आप समझ गए, क्योंकि उसका आयतन आकार निश्चित रहता है इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस होती है। आप देख रहे हैं बच्चा 100 times। तो बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे जो नीट वाले बच्चे हैं, TGT PGT वाले इस भैया लोग हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम उनके लिए इसी प्रकार से और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस बना के लाते रहें। चलिए और आगे देखते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए हम देखेंगे कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ही डी। 3 के डी में जो हमारे पास क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। देख रहे हैं ना, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, ऐसा क्यों? कराटे वाले जो है लकड़ी में मार देते हैं, लकड़ी टूट जाती है, छेद हो जाती है ना, लेकिन हवा में देखिए हम लोग भी ऐसे ऐसे चला रहे हैं, एकदम से कोई दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही, तो ऐसा क्यों बेटा? तो हाथ कहाँ चला पाओगे? थोड़ा कंसेप्ट से समझो। हाथ वहाँ चला पाएंगे हम जहाँ पे स्थान खाली होगा। अब यही तो है कि हवा में कि कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ ठूस ठूस के भरी है तो उसमें हाथ कैसे जाएगा? लेकिन हवा में, गैस में कि कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। गैस हवा के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है ना, तो क्या कहेंगे? कणों के मध्य क्या है? रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है जिससे हम हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं। लेकिन ठोस लकड़ी में न उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कहाँ बेटा? लकड़ी में मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है और प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए लकड़ी में हम आसानी से हाथ नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमको कराटे में दक्ष होना पड़ेगा तभी हम चला पाएंगे, याद रखिएगा। तो हम हवा में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हाथ चला लेते हैं, क्यों? क्योंकि हवा में हमारे पास रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। अच्छा, रिक्त स्थान ज़्यादा क्यों होता है?
क्योंकि बच्चों उसमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है उनके कणों के मध्य। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो 3 का आप बेटा पेज नंबर 6 पे है ये, और ये जब तक आप एनसीईआरटी के सोल्यूशन नहीं करेंगे आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। सही बात है, ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है और द्रव का कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों। तो इनके कहने का मतलब कि बर्फ भी एक ठोस है, तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, तो फिर वो कम घनत्व वाले पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है, बर्फ को डूब जाना चाहिए। तो बेटा ये सब उसके आकार की वजह से होता है, बर्फ़ का जो आकार है वो ही उसका मूल कारण है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, ये भी आप ही पॉइंट याद रखिएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, जल भी द्रव है इसलिए इसका घनत्व भी ठोस बर्फ से कम होगा, फिर भी बर्फ पानी में तैरता है। अब यहीं से आंसर आ गया, क्योंकि जल जब बर्फ के रूप में जमता है, क्योंकि बर्फ है क्या आखिर, पानी ही, लेकिन अपनी ठोस अवस्था में जमता है, तो उनके कणों के बीच खाली मतलब रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है। उसकी बनावट ऐसी होती है जब वो केस पिंजरा की तरह बनते हैं चारों तरफ से, तो रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कण है और जल के ये देखो दूर दूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग होनी है, ठोस बनना है। अब यहाँ पे देखो इनके बीच क्या है, रिक्त स्थान ज़्यादा है, और जो पानी है बेटा वो ऐसे 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 है, तो पानी के बीच जो है उस समय रिक्त स्थान कम रहता है, तो बर्फ इसके ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। तो हम देख गए कि रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है जिससे इसका सतह बढ़ जाता है। अब जब सतह ज़्यादा हो गई, जो चीज़ फैली ज़्यादा है वो क्या है, आसानी से नीचे जिसमें जगह कम है उसमें तैर सकती है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो जितने भी हमारे पास जहाज़ें हैं, जितनी भी स्टीमर्स चलती हैं, ये बड़ी बड़ी जहाज़ें कैसे पानी में तैर लेती हैं, क्योंकि बेटा उसका क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा देते हैं, किसका, जहाज़ का, क्योंकि जहाज़ भी ठोस है, उसको भी पानी में डूब जाना चाहिए था, तो इसका मतलब जितनी भी ठोस चीज़ें हैं वो सब के सब को पानी में डूब जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पानी भी एक बल लगाता है फिर, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आप उसको आगे देखेंगे। बर्फ की अपेक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, बर्फ की अपेक्षा जल में रिक्त स्थान कम रहता है, इस कारण बर्फ क्या है, जल में तैरता रहता है। तो ये आप देख लिए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1। आपसे रिक्वेस्ट है, ये किसके लिए है, ये नीट के लिए भी काम आएगा आगे चल के, ये बेटा जेई के लिए भी काम आएगा आगे चल के, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं 100 times। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, आपको किसी भी बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिलेबस ही यही है। तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बच्चों ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।